शक्ति शक्ति शक्तिमान। टीवी पर शक्तिमान का सीरियल देखने के बाद हमारे मुंह में दिन भर यही गाना चलता रहता था, है ना। तो इंतजार करिए हमारे दिलो दिमाग में छा जाने वाले फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान का। तो वो दिन अब जल्द ही आएगा दोस्तों, क्योंकि मुकेश खन्ना खुद ये फिल्म लेकर आ रहा है सोनी पिक्चर्स के साथ। तो ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि इसमें शक्तिमान कौन बनेगा, गंगाधर कौन बनेगा, तमराज किल्विस कौन बनेगा, डॉक्टर जयकाल कौन बनेगा और शक्तिमान की स्टोरी क्या रहेगी। सबका खुलासा करूंगा दोस्तों एकदम सच्ची वाला, वीडियो में बने रहिए। तो देखो बॉस, मुकेश खन्ना जी ने खुद ही कहा है कि स्टोरी के साथ कोई बदलाव नहीं होगा और टीजर में शक्तिमान के कॉस्ट्यूम के साथ गंगाधर का चश्मा भी दिखाया गया है। इसका मतलब साफ है कि जो शक्तिमान बनेगा वही गंगाधर भी बनेगा और गंगाधर का करेक्टर बहुत हार्ड भी है। तो मुझे लगता है कि गंगाधर के करेक्टर को शायद ही कोई निभा पाएगा, अगर निभा भी लेगा तो हमको असली वाली फीलिंग नहीं आएगी। अब बात करते हैं लीड रोल की, यानी शक्तिमान कौन बनेगा। तो एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना जी ने खुद ही कहा है कि अभी तक इस पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फिल्म मेरे यानी मुकेश खन्ना के बिना नहीं बन सकती। लोगों के दिमाग में शक्तिमान के तौर पर मेरी ही छवि बनी हुई है। ऐसे में यदि कोई दूसरा शक्तिमान बनेगा तो फैंस उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सब साफ है दोस्तों कि शक्तिमान का रोल खुद मुकेश खन्ना ही करेंगे, यानी शक्तिमान भी वही रहेगा और गंगाधर भी वही। बाकी तमराज किल्विस के करेक्टर को कोई तय नहीं हुआ है। अब आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि कौन बेस्ट रहेगा तमराज किल्विस के लिए। और ये तो तय है कि मूवी की स्टोरी भी वही रहेगी और शक्तिमान भी वही रहेगा। फिल्म का नाम शक्तिमान 2 होगा और ये फिल्म 300 करोड़ के बजट में बनेगी। फिल्म का डायरेक्शन एक हिंदुस्तानी ही संभालेगा और इसके शूटिंग में टाइम लगेगा, तो यह मूवी 2023 में रिलीज होगा। बाकी आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि तमराज किल्विस के लिए कौन बेस्ट रहेगा आपकी नज़र में और इस मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।